आज हम बात करते हैं आपकी बिजनेस आइडेंटिटी क्या है या आपकी व्यावसायिक पहचान क्या है, आप कौन है आपके बिजनेस में। देखो मेनली तीन प्रकार के व्यक्ति बिजनेस में काम करते रहते हैं। एक है नंबर वन आर्टिस्ट, यह हम उसको बोलते हैं वर्कर। दूसरा है मैनेजर और या लीडर, मैनेजर या लीडर। और तीसरा है एंटरप्रेन्योर। अब ये तीन में आप कहां बैठते हो आपको देखना है। वर्कर या आर्टिस्ट वो होता है कि जो एक्चुअली काम करता है बिजनेस में, एक्चुअली बिजनेस में काम करता है, वो उत्पादन देखता है, प्रोडक्शन देखता है, और जो भी एक्चुअली फिजिकल वर्क करना पड़ता है वो फिजिकल वर्क, शारीरिक श्रम करके वो काम करता है। मानसिक श्रम भी होंगे, मतलब एक्चुअली काम करना, समझो एक आर्किटेक्ट है तो आर्किटेक्ट वो खुद काम कर रहा है, दिमाग से काम कर रहा है और दिमाग से काम करके ड्राइंग निकाल रहा है, मगर वो खुद काम कर रहा है। तो जहां जहां जो जो व्यक्ति खुद काम करता है तो उसको बोलते हैं आर्टिस्ट या वर्कर। फिर वो आर्टिस्ट वो हो सकता है कि जो सेल्समैन है, जो मार्केटिंग का पर्सन है वो भी आर्टिस्ट हो सकता है, अकाउंटेंट है, सिस्टम ऑपरेटर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, जो भी लोग एक्चुअली जिनको काम करना पड़ता है मेंटल या फिजिकल, और जो एक्चुअली काम करते हैं वो है वर्कर या आर्टिस्ट, जो अपना आर्ट बताते हैं, जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन निकालते हैं, वो वर्कर या आर्टिस्ट हो गए। फिर दूसरा जो है वो रहता है मैनेजर, प्रबंधक या लीडर, नेता। तो लीडर या मैनेजर ये कौन होता है कि ये देखता है कि सब प्रोसेसेस बराबर चल रही कि नहीं, जो सिस्टम्स लगी हुई है बिजनेस में वो बराबर चल रही कि नहीं चल रही, क्या आर्टिस्ट लोग बराबर काम कर रहे हैं, आर्टिस्ट मतलब वर्कर जो काम कर रहे हैं वो बराबर काम कर रहे हैं, जिसको जो काम दिया है वो काम बराबर कर रहा है, वहां से उसको फीडबैक मिल रहा है मैनेजर को, तो वो फीडबैक लेता है। तो जिसको जो काम सौंपा दिया गया है एट द एंड ऑफ द डे, दिन के आखिरी में उसने वो काम किया नहीं किया, उनको ट्रेनिंग देना, वर्कर लोगों को या आर्टिस्ट लोगों को ट्रेनिंग देना और उनसे काम निकालना। तो मैनेजर का वो काम होता है कि लोगों से काम निकालो, काम लेना है, प्रोसेसेस देखना है, अलग अलग जो वर्कर्स है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, वहां बराबर काम करे कि नहीं, वहां से फीडबैक लेना है, और सब बराबर सर्कस चल रही कि नहीं वो देखना है। तो ये मैनेजर है, लीडर। अभी उसके ऊपर रहता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मतलब उद्यमी या उद्योजक, धंधे वाला, बिजनेसमैन। उसका क्या काम होता है? उसका काम एक ही होता है कि खाली बैठना, विचार करना, विचार ये करना है कि मैं धंधा कैसे बढ़ाऊं, एक्सपांशन कैसे करूं, ग्रोथ कैसे करूं, कहां मैं रिस्क ले सकता हूं, कहां से मैं फंड मैनेज कर सकता हूं। तो वो उसका दिमाग वहां चलता है, एक्सपांशन, ग्रोथ, रिस्क टेकिंग, फंड्स मैनेजमेंट, फंड्स कैसे लाना है नया, और क्या करूं मैं, नए लोग लाना अपने बिजनेस में, नए सीईओ लाना कि जो काम बराबर चला सकेंगे। तो ऐसे इस तरह का उसका काम होता है, मेनली ज्यादा विचार करना, सोचना, एक्सपांशन, ग्रोथ, रिस्क, ये काम होता है हमारे। इसमें होता क्या है कि हम वर्कर भी है, मैनेजर भी है और एंटरप्रेन्योर भी है, धंधे वाला भी है। किसको पूछा मैंने कि भाई आप क्या काम कर, आप क्या करते हो, नौकरी करते हो कि बिजनेस करते हो? उसने, मैं बिजनेस करता हूं। बिजनेस कहाँ करते हो आप, तो खुद बैठे हो गल्ले के ऊपर। नहीं, बोले मैं बिजनेस कर रहा हूं। मैं बोला बिजनेस नहीं कर रहे आप, अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं, कैशियर का काम कर रहे हैं आपके बिजनेस में, तो आप वर्कर हो। यदि कोई व्यक्ति खुद काम कर रहा है वहां, समझो किराना दुकान है, बोलता मैं बिजनेसमैन हूं। अभी किराना दुकान में यदि वो खुद माल निकाल के पूड़ी बांध के पैक करके उसको दे रहा है, तो इसका मतलब वो कौन है, वो वर्कर है या आर्टिस्ट है? वो जो उसने वहां से माल निकाला, पैक किया, सामने वाले को दिया, पैसे भी अपन ने लिया, खुद ने लिया पैसे, मतलब कैशियर भी है, वर्कर भी है, काम माल भी निकाल रहा है और बोलता है कि मैं धंधे वाला हूं, मैं मेरा बिजनेस लेके बैठा हूं। तो वो एक्चुअली धंधे वाला है नहीं, वो है सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद चालक, खुद मालक। तो उससे धंधा बढ़ता नहीं है, धंधा उसी से बढ़ता है कि जब धंधे वाला व्यक्ति, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, उद्यमी, उद्योजक, उसका काम करता है जो उसने करना चाहिए, और वो है धंधा कैसा बढ़ाने का, रिस्क लेने का, एक्सपांशन एंड ग्रोथ सोचने का, तो वो करेगा, धंधा बढ़ेगा। तो आप देखिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ज्यादातर आपकी पहचान मिक्स होती है, तीनों मिलके, मतलब तीनों भी काम आप खुद ही कर रहे हैं, ऐसा होता है। तो काम बांट लो, और आपका काम आपने करना है एज ए बिजनेसमैन, एज एन एंटरप्रेन्योर, तो धंधा बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच।